The Great Pyramid of Giza, Lost City, Moon City, Piano City, Mars City, Pub Town, Random City, Holy City and Dubai Village. इतनी सारी सिटीज हमारे पूरे सिटी स्काइलाइंस में है. तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे सिटी स्काइलाइंस में एक पिरामिड सिटी भी होनी चाहिए जहाँ पे बस पिरामिड्स ही पिरामिड्स होंगे, बड़े बड़े वड्डे वड्डे पिरामिड्स. सो दैट्स वाई आज हम बनाने वाले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इन सिटी स्काइलाइंस. तो उसी से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमको लोकेशन फाइंड करना है, मुझे थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया फाइंड करना है. यहाँ पे डेजर्ट है. ओ वेट, यहाँ पे थोड़ा सा डेजर्ट दिख रहा है. नहीं, आई थिंक हमारी जमीन या हमारे पुरखों की कुश्तों की जमीन है. तो यहाँ पे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बना सकते हैं. वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन, आपने खुद से पिरामिड देखा है रियल लाइफ में अपनी आंखों से? मैंने तो नहीं देखा है, मैं तो इंडिया से बाहर अब तक गया भी नहीं. अगर किसी ने देखा हो तो अपनी पावन आंखों से कॉमेंट्स में लिख दो भाई मैंने देखा है. जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं स्पेशली पिरामिड बना रहा हूं. आपको दुबई जाने की नहीं, कहां पे ये, आपको इजिप्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा छोटा छोटा इजिप्ट रहेगा, इस डिस्ट्रिक्ट को हम छोटा इजिप्ट बोलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले गाइस मैं एक बार चेक करता हूँ पिरामिड की हाइट कितनी है. वैसे हमारे पास दो पिरामिड्स है, ये छोटा वाला है एंड ये बड़ा वाला है. तो टोटल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तीन में, मतलब वो बड़ा वाला एक होता है, इधर एक छोटा होता है, एक छोटा होता है. तो हमारे पास एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है. तो छोटा वाला आई मीन जो बड़ा वाला है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वो इतना है. तो मे बी इतना एरिया इसके लिए इनफ है. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे थोड़े से रास्ते बनाने पड़ेंगे. एंड पिरामिड के पास जाने के लिए मे बी हाईवेज होते हैं या नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैंने खुद से कभी देखा नहीं है. तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े नहीं यार हाईवेज बना दूँ मैं, हाईवेज अच्छा लगेंगे ना वहाँ पे. एक काम करते हैं पूरा सर्कल बनाता हूँ मैं ऐसा, एंड सर्कल नहीं ऐसा स्क्वायर बनाते हैं एंड उसके बीच में हमारा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा रहेगा. तो यहाँ पे ये आएगा ऐसे एंड देन यहाँ से आएगा ऐसे. वेरी नाइस, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है गधे की ही के, बट एनीवेज आई डोंट केयर भाई बहुत गंदा लग रहा है. अगर आप लोग कहते ही हो तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ. देखो अगर मैं इस एरिया को भी छोटा करूंगा ना ऐसा स्लोप देके तो कुछ ना कुछ गंदा होगा मुझे पता है, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड बिल्डर. ठीक है, अभी देखो अभी मुझे इस जगह को ऐसा नीचे लेके जाना ना, तो ये लेवल टेरेन खड्डा बन What the? अबे इतना नहीं बनाना यार, छोटा सा बनने में क्या प्रॉब्लम है, छोटा सा खड्डा. ओके हो गया आई थिंक गाइज, ये छोटा नीचे हाँ नीचे गाइज नीचे जा रहा है आई थिंक. ये चपटा हो रहा है, ये चपटा थोड़ा सा और चपटा, बस खड्डा ना हो जाए अभी. बस यहाँ पे अभी यहाँ पे लेवल टेरेन लेवल गाइज. ओके गाइज आई थिंक लेवल हो रहा है या ओके गाइज आई थिंक आई डिड इट, लेवल हो चुका है. अभी यहाँ पे हमारा पिरामिड बन सकता है द ग्रेट एंड वन एंड ओनली. हाँ गाइज फाइनली लेवल ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा चपटा करते हैं, चपटा हो जाए. चल भाई वेरी नाइस. बट ये क्या हो रहा है ये गेम, आई एम स्टिल नो बैट दिस गेम ऑल्सो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा यू नो ऐसे ऊंचाई पे होता है भाई, यू नो ऊंचा तो ये ऊंचाई पे ही रहना चाहिए. अबे साले एंड देन यहाँ से इससे कनेक्ट होगा, परफेक्ट एक राउंड सर्कल बना दिया. और अभी बस मुझे इसको मेन हाईवे से कनेक्ट करना है, सीधी बात नो बकवास. एक रोड यहाँ से सीधा इसको कनेक्ट करेगा वहाँ तक जाने के लिए इससे, एंड देन एक वहाँ पर जाने के लिए भी एक रूट चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितना गंदा आर्किटेक्ट हूँ मैं भाई. एक रोड में सीधा यहाँ पे ऐसा बना लेता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन में, ताकि लोग यहाँ पे यहाँ से सीधा पिरामिड के लिए जा सके. एंड एक रोड सीधा हाईवे जाएगा जस्ट लाइक दिस, यहाँ से इससे कनेक्ट होगा ये. ठीक है, मैंने रूट कनेक्ट कर दिया गाइस. ओके तो गाइस पिरामिड का जो लेआउट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है. और लेट्स मेक, अभी बस मुझे अंदर के रोड बनाने, ताकि मैं पिरामिड को यहाँ पे बना सकूँ. तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक जाने के लिए कच्चा रास्ता होना चाहिए, क्योंकि यू नो वो एंशंट मूर्ति है एक प्रकार की. आई मीन वो यू नो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है. तो ये यहाँ से ऐसा आएगा, देखो मैं एकदम सीधी लकीर खींचने वाला हूँ. सीधी बात नो बकवास, मेरे को बकवास करना बिल्कुल नहीं आता. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन यहाँ से आएगा यहाँ पे, देन यहाँ से आएगा यहाँ पे ऐसा, एंड देन यहाँ से इधर से कनेक्ट होगा. परफेक्ट बीच में स्क्वायर बना दिया. और अभी बस यहाँ पे ऊंचाई पर हमको बस द ग्रेट द वन एंड ओनली द पिरामिड ऑफ गीजा हम बनाएंगे. प्लीज़ गाइज इसके लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दो. ये बनेगा नहीं, हेलो कहाँ पे बनेगा ये, हेलो अबे रोड के किन व्हाट द हेक के यहाँ पे फिट हो रहा है, बट यहाँ पे फिट नहीं हो रहा. ओके एक सेकेंड, मे बी कच्चे रास्ते गाइज, आई एम रियली नूबड़ा. कच्चे रास्ते पे हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को नहीं लगा सकते, उसके लिए हमको बड़ा सा रोड चाहिए. ठीक है भाई, अगर इन लोगों का कहना है यहाँ पे मुझे बड़ा रोड चाहिए, ठीक है भाई, तो पिरामिड के लिए गाइज हमको बड़ा रोड चाहिए. हम छोटे रास्ते पे पिरामिड नहीं बना सकते भाई, इन लोगों का ऐसा कुछ रूल है. तो लगना स्लोप टू, ओ यहाँ पे ज्यादा स्लोप है,
इसकी गाइस स्लोप के इशू की वजह से हमको फिर से एक बार पूरा का पूरा लेआउट ब्रेक करके मुझे यहाँ पे जमीन को चपटा करना पड़ेगा। ये पिरामिड का ऐसा ही कहना है कि वो बोल रहे हैं मैं स्लोप पे नहीं बनेगा, मैं बस स्लोप ही बनेगा। तो या फिर से एक बार लेआउट डिलीट करते हैं। या गाइज आई थिंक यहाँ पे ना अभी स्लोप बन चुका है, तो एक बार मैं रैंडम रोड बना के देखता हूँ। प्लीज गधे कहीं के पिरामिड कहीं के यहाँ पे बन जा। ओके या गाइज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ओके तो मैंने स्लोप का इशू सॉल्व कर दिया ऊपर थोड़ा सा। ओके गेमर्स फाइनली पिरामिड यहाँ पे बन रहा है, पिरामिड ने फाइनली मतलब मन कर लिया यहाँ पे बनने का। तो या तो ये वाली जो जमीन है आई थिंक पूरी स्लोप है, तो दैट्स व्हाई गाइस इस जगह पे पिरामिड बन रहा है। तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि पिरामिड ही बनाते हैं, नहीं तो ये बाद में स्लोप का इशू आएगा मेरे पास। या यहाँ पे पिरामिड बन रहा है गाइज, लेट्स गो गेमर्स, देयर यू गो, वी हैव द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। रोड के वही रोड इसके अंदर से जा रहा है पता नहीं कैसे, बट बना दिया गाइज फाइनली हमारे रेल्स क्या नाम था इस गेम का, सिटी स्काईलाइंस में एक पिरामिड भी है। और जो छोटा वाला है वो भी मैं इसके पास लगाने की, अभी ये भी बोलेगा स्लोप नहीं है छोटा वाला। हाँ बन रहा है छोटा भी, लेट्स गो गेमर्स। ये इसमें गीजा वाला कौन सा पिरामिड है, ये खाफरे वाला ये पिरामिड है, एंड ये वाला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। बट दोनों की साइज तो मुझे सेम लग रही है पता नहीं गाइज, बट वी मेड टू पिरामिड्स ओवर हेयर। अभी बस मुझे आप पे रोड्स कनेक्ट करने हैं, एंड ये पिरामिड का एक रास्ता ना मैं सीधा दुबई सिटी के लिए भी बनाऊंगा, मतलब दुबई के लिए भी, क्योंकि दुबई से बहुत सारे लोग आते हैं पिरामिड देखने के लिए। एक हाईवे बन गया, देन यहाँ से एक हाईवे आएगा ऐसे, या लेट्स गो, ये यहाँ तक आएगा एंड देन सीधा ये इससे कनेक्ट होगा जस्ट लाइक दिस ओवर हेयर गाइज। एंड देयर यू गो गाइज, पिरामिड का हमने एक अजीब सा गंदा वाला शेप बना दिया है, बट एनीवेज पिरामिड बना दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी बस मुझे इस मेन हाईवे को ये इससे कनेक्ट होगा, एंड ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये हाईवे में यहाँ से कनेक्ट करेगा इससे ऐसे, एंड देन वहाँ पे जाने वाला एक हाईवे इससे कनेक्ट होगा ऐसे ऐसे। लेट्स गो गेमर्स, फाइनली वी मेड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, एंड एक और हाईवे यहाँ से इससे कनेक्ट होगा ऐसा। देखा भाई क्या चमकीला मैंने प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा प्रोजेक्ट। एक बार अपनी होली सिटी देखते हैं, होली सिटी में किसी को कोई दिक्कत, चमचा पानी खर्चा पानी किसको चाहिए प्लीज बताना मेरे को। एंड गाइज मैंने ना अभी एक चीज नोटिस करी है कि बिल्डिंग्स कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं बनी है। और अभी एक बार अपना स्पेस रेक्स देखते हैं, चिप रेक्स, इसका क्या सीन चला है, रॉकेट लॉन्च के लिए अभी नहीं हुआ है, बस 4 विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, लानत है तेरे पे भाई, अगर 4 विजिटर्स यहाँ पे आते हैं तो भाई नल्ले कहीं के। अभी एक बार अपना पिरामिड, हाँ पिरामिड के ऊपर गाइस हमको फोकस देना है। तो पिरामिड का दूसरा लोकेशन क्या होता है, यहाँ पे ऊंट वगैरह होते हैं, बट इस गेम में ऊंट तो है नहीं, मैंने देखा इस गेम में ऊंट कहीं पे भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी लेके आते हैं, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी वगैरह आनी चाहिए, एयरपोर्ट लगेगा यहाँ पे कहीं पे, एयरपोर्ट भी होना चाहिए क्योंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास एयरपोर्ट भी है वैसा मैंने सुना है, मतलब देखा है मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट। आई डोंट थिंक सो कि लगने वाला है, लग जा भाई मजा आ जाएगा एयरपोर्ट लग गया तो। यहाँ पे लग, यहाँ पे लग रहा है गाइज, लेट्स गो। बट या फैक्ट्रीज वाले सारे बंदे खुश हो गए, तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, बट यार ये एरिया मुझे सारा फैक्ट्रीज के लिए। एनीवेज आई डोंट इवन केयर। तो अभी यहाँ पे हमने गाइज एक एयरपोर्ट बना दिया है, तो अभी सीधा लोग एयरपोर्ट से दुबई से प्लेन लेके सीधा एयरपोर्ट पे आ सकते हैं यहाँ पे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा देखने के लिए। अभी एयरपोर्ट के थोड़े से इश्यूज है, उनको सबसे पहले सॉल्ट आउट करते हैं, पानी वगैरह चाहिए इसको लिए, खर्चा पानी तेरे को सारा देते, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सीधा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके सामने, तो पानी का कनेक्शन दे दिया। अभी पिरामिड के लिए थोड़ा सा मैं और कनेक्शन देना चाहता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह होनी चाहिए, जो कि हमारा ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे भी एक ट्रेन स्टेशन है, तो इसको आई थिंक मैं इससे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, ट्रेन स्टेशन बनाते हैं गाइस, स्टेशन लगेगा यहाँ पे लगेगा इस ट्रेन स्टेशन, हमने ट्रेन स्टेशन बना दिया, और अभी हमको इस बस ट्रेन स्टेशन को दूसरे ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट करवाना है। उसके लिए जो यहाँ से बस ऐसा स्लोप डाउन करके रास्ता, अंडरग्राउंड रास्ता आ चुका है, ये सीधा दूसरे रेलवे स्टेशन तक आएगा। थोड़ा पेज अप करके थोड़ा सा कर्व लेना पड़ेगा ऐसा सामने से, यहाँ से ऐसा कर्व लेना पड़ेगा, एंड सीधा यहाँ पे एक ट्रेन का रेलवे का टर्मिनल है, ये इससे कनेक्ट सीधा कनेक्ट हो जाए इससे, ताकि लोग सीधा दे यू गो गेमर्स। अभी बस हमको मेन कनेक्शन बनाना है दो टर्मिनल्स के अंदर, ये वाला रेलवे स्टेशन एंड ये वाला रेलवे स्टेशन, मेक अ लाइन। गेमर्स बॉय बन गया, मैं भी कनेक्शन बन गया ना, बन गया। ओके बस अभी इसको बस थोड़ा सा खाना पानी देना पड़ेगा हमको, मामला पानी ले भाई तेरे लिए स्पेशल सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया, तो अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, और यहाँ पे ट्रेन्स फाइनली आना शुरू हो गई है। इसके अंदर एक भी पैसेंजर नहीं है, बट गाइस धीरे धीरे यहाँ पे काफी सारे पैसेंजर आने वाले हैं। ये गाड़ी कहाँ पे जा रही है, Yes! Going to the Great Pyramid of Giza. ये गाड़ी पिरामिड के अंदर अबे गाड़ी पिरामिड के अंदर जा रही है, ये पिरामिड के अंदर पार करेगा क्या भाई? ओके ओके आया गाइस, गाड़ी बाहर आ चुकी है अभी एक बार। ओ
गाइस अगर आपने पिरामिड के अंदर नहीं देखा है क्या है तो देखो ऐसा है और अभी वही पिरामिड के अंदर ओके इसने पिरामिड के अंदर गाड़ी पार करी है। एक हाईवे यहाँ से सीधा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के लिए आएगा। सीधा आएगा क्या? सीधा आएगा तो भाई मजा है। एंड गाइस देखो भाई मैंने कितने सारे अंडरग्राउंड रोड्स बनाए, वेरी नाइस, खुद की तारीफ कर रहा हूँ मैं। ओके एंड देन अभी बस मुझे इसको मेन रोड से कनेक्ट करना है जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आई थिंक। गेमर्स लेट्स कनेक्ट द रोड। ये आ गया यहाँ से पेज अप करके सीधा कनेक्ट। अबे यहाँ पे भी सीधा चाहिए मेरे को। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ये ट्रेन के रूट की वजह से नहीं हो रहा है क्या? अभी ये गधे कहीं के बीच में कहाँ से आ गए। लेट्स गो गेमर्स, फाइनली हो गया, कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अभी हमारा एक रूट सीधा दुबई सिटी से आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के लिए। तो अभी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ज़्यादा टूरिस्ट का मतलब है ज़्यादा पैसा। बट अभी एक भी गाड़ी नहीं जा रही है। या मैंने गेम ऑन कर दिया। एंड अगर मैं किसी पर्सन के परस्पेक्टिव से देखूंगा, भाई क्या नज़ारा है, सीरियसली जस्ट लुक एट दिस। यहाँ से अगर इस बिल्डिंग की छत से अगर कोई देखेगा ना, ये आई थिंक ये हॉस्पिटल है, तो उसको पिरामिड ऐसा दिखेगा यहाँ से। वाओ यार ऐसा होना चाहिए यार, घर के सामने ऐसा नजारा होना चाहिए। 29 कस्टमर्स आए थे, विजिटर्स आए थे, तो अभी अच्छे खासे तरीके से हमारा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा काम कर रहा है। गेमर्स अभी ना थोड़े से रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से मार्क कर देता हूँ। एंड हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज भी थोड़े से मार्क कर ही देते हैं। यहाँ पे भी हमारा एक और इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा। अभी रेजिडेंशियल नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एक और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। एंड वेट, अभी भी एक प्लेन ने लैंड करा है। कहाँ से आ रहा है वैसे प्लेन? ये 16 पैसेंजर्स है इसके अंदर, वेरी नाइस गाइस। तो अभी पिरामिड को देखने के लिए भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर पैसेंजर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे दुकानें भी तो होनी चाहिए, यू नो, वो इमली वगैरह बेचने के लिए। यहाँ पे थोड़े से कमर्शियल शॉप्स गाइस होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लोग आएंगे, तो लोगों को यू नो परचेस करने के लिए दुकानें वगैरह होनी चाहिए, मॉल्स वगैरह। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल जोन बना दिया है। और अभी बस इनको पानी का, या पानी का कनेक्शन भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे लोग थोड़े से कमर्शियल जोन बनाएंगे। एंड आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के, गीजा को देखने के लिए जा रही है। भाई ये बंदा तो बाइक पे जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है भाई। ये होता है डेडिकेशन गाइस, अपने वर्क के थ्रू, वर्क की तरफ ये डेडिकेशन होता है। स्कूटर पे जा रहा है भैया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है? बहुत ट्रैफिक हो रहा है। अरे यार क्या करूँ मैं इस ट्रैफिक का? तो अगर यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना, तो एक रूट यहाँ से भी सीधा मैं इससे कनेक्ट करूँ, फिर या अभी एक रूट सीधा इधर से भी उधर जाएगा, तो गाड़ियों कैसे घूम के जाने की, गधो तुम लोगों को घूम के जाने की जरूरत नहीं, इधर से जाओ यार। बट ये लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले। और अभी अभी प्लेन ने टेक ऑफ करा है, वेरी नाइस। और थोड़े से रेजिडेंशियल जोन्स की डिमांड बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से दुबई विलेज के अंदर थोड़े से रेजिडेंशियल एरियाज बनाते, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे थोड़े से बनाए थे, आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। और अभी जगह कहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से रेजिडेंशियल एरियाज बना सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से मैं और रेजिडेंशियल एरियाज बनाने की सोच रहा हूँ गेमर्स, जस्ट लाइक दिस, यहाँ से ये, वेरी नाइस। और अभी हमको बस बीच में थोड़े से लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, बड़े ही रोड बनाते हैं, बड़े रोड होता है तो यू नो काम थोड़ा आसान होता है। ये यहाँ तक आएगा रोड, देन दूसरा रोड आएगा यहाँ से यहाँ तक। रोड को कनेक्ट नहीं करना, अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे ये सिग्नल्स लग जाते हैं गधे के लिए, मुझे सिग्नल्स बिल्कुल पसंद नहीं है इस गेम में। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़े से रेजिडेंशियल एरियाज मार्क कर देता हूँ। ये आ गए हाईली डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन्स, तो यहाँ पे थोड़े से और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, जस्ट लाइक दिस, ये भी लाइन रहेगी। एंड वैसे भी यहाँ पे ना एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है सी एंड स्काई स्क्रीपर। या देयर यू गो गेमर्स, यहाँ पे हमने बना दी एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी है, स्काई स्क्रीपर। गधे ये कितनी छोटी लग रही है बुर्ज खलीफा के सामने, भाई ये तो मच्छर की तरह मच्छर लग रही है, सीरियसली इतनी छोटी है। बट एनीवेज यहाँ पे हमने स्काई स्क्रीपर बना दिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर वो एक हेलीपैड भी है, ओ नाइस, और टाटा स्काई भी किसी ने लगा रखा है। फाइनली यहाँ पे लोगों ने घर बनाना शुरू कर देगा इस दुबई सिटी के अंदर। और मुझे पता है इनको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू आएगा, एक काम करता हूँ छोटा सा कनेक्शन इनको मैं यहाँ से ला के दे ही देता हूँ। फिर ये लो भाई तुम लोगों के लिए कनेक्शन छोटा सा, यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया इनको बिजली का, और थोड़ा सा पानी का भी देखना पड़ेगा आई थिंक। या पानी का यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसा सीधा, परफेक्ट टू गेमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो गाइज मैं भूल ही गया, एंड वो ये है कि मुझे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाना है हमारा, पिरामिड डिस्ट्रिक्ट। ये आ गया हमारा गाइज छोटा सा इजिप्त। एक लाइक बनता है इस छोटे इजिप्त के लिए। आज कल इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।